हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल YDS में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आने वाली 4 सितंबर को जो है वो NDA का एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है, तो दोस्तों आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हैं बार बार कुछ परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन को लेकर एक वीडियो बनाया जाए जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुँच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों का एग्जाम है उन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है अदीना मस्जिद कहाँ है। तो दोस्तों याद रखना जो अदीना मस्जिद जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसी में कुछ लल्लन टॉप बातें हैं कि बीवी का मकबरा जो है वो कहाँ है। तो बीवी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और इसे औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। बीवी का मकबरा जो है इसे ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। और यहीं पर कुछ फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है कहाँ पर है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर राजस्थान में है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण मात्र 2.5 दिन में ही किया गया था। बात करें कुतुब मीनार की तो कुतुब मीनार की जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसका काम जो है आगे का काम निर्माण कार्य जो है वो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, लेकिन कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित है। दोस्तों याद रखना जो मोहम्मद गौरी है वो संसवनी वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अवध किस शहर का पुराना नाम है। तो दोस्तों याद रखना जो अवध है वो लखनऊ का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है शिक्षा किस सूची का विषय है। तो दोस्तों याद रखना जो शिक्षा है ये वर्तमान में संवर्ती सूची का विषय है। पहले तो यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से जो है शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। शिक्षा है, मापतौल है, जनसंख्या है आदि संवर्ती सूची कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। अगला क्वेश्चन यह है जैसे नीति नई शिक्षा नीति जो है हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है जो कि कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित है। पहले इसका पैटर्न 10+2 था, लेकिन वर्तमान में इसका पैटर्न 5+3+3+4 हो चुका है। और शिक्षा से संबंधित जो है 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अवॉटमेंट है जिसको अनुच्छेद 21A के अंदर रखा गया है, जिसके अंतर्गत जो है 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था इसके द्वारा क्या है मौलिक कर्तव्य था, जो 11वां मौलिक कर्तव्य वो कि हमारे संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। दोस्तों याद रखना कि मौलिक कर्तव्य थे जो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 44वें संविधान संशोधन से जो है वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि संविधान संशोधन का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। दोस्तों याद रखना जो संविधान संशोधन का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 368 के अंदर रखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जैसे कि 61वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत जो क्या है कि वोट डालने की जो उम्र थी उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 44वां संविधान संशोधन जो है जो 1976 में हुआ था, और मैंने पहले ही बताया कि 44वें संविधान संशोधन से जो है शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची के अंदर डाला गया और इसके अंदर ही 10 जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 86वां संविधान संशोधन हुआ, इसके अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया जो कि 2002 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन बात करते हैं तो मूल संविधान में जो थी 14 भाषाएं थीं, लेकिन 21वें संविधान संशोधन से जो है एक भाषा जोड़ी गई, 15वीं भाषा सिंधी भाषा। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन से जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद जो है 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसके अंतर्गत जो है 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। कुल मिलाकर इन सबको जोड़कर जो है वर्तमान में हमारे संविधान में 22 जो है लैंग्वेज हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वनिर्मित विमान वाहक पुत कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना कि जो
भारत का जो पहला स्वनिर्मित विमान वाहक पोत है वो है INS विक्रांत, जो कि 2 सितंबर के दिन ही हमारी इंडियन नेवी को जो है वो सौंप दिया गया है। ये कोचीन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है, कोचीन शिपयार्ड से इसको लॉन्च किया गया है। बात करते हैं INS ध्रुव की, तो ये फर्स्ट जो है मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, इसके द्वारा मिसाइल को हम ट्रैक कर सकते हैं। और INS विक्रांत की बात करें तो ये भी एक विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। दोस्तों याद रखना कि ऋग्वेद की जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को जो हम बोलते हैं उहर्त बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो दोस्तों याद रखना कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10462 जो हैं इसके अंदर ऋचाएं की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई, तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि वोट डालने की जो उम्र है वो 18 से घटाकर 21 वर्ष जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई। और संविधान संशोधन 44 की बात करें तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इससे 10 जो है मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। 21वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके अंदर 15वीं जो भाषा है सिंधी इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया। और 86वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके अंदर जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसके तहत जोड़ा गया हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी देशों की संख्या कितनी है। दोस्तों याद रखना कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये UNO का एक भाग है, और इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो कुल देशों की संख्या वो की 15 है, लेकिन इसमें से स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं और अस्थायी देश जो हैं 10 हैं। और हम बात करें तो इसमें इंडिया जो है इसका स्थायी सदस्य नहीं है, और अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2-2 वर्ष के लिए होते हैं और 2 वर्ष के बाद बदल जाते हैं, और जो स्थायी देश होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। अगला कुछ इसी में है कि नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। दोस्तों याद रखना नाटो का हेडक्वार्टर जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के अंतर्गत कुल 30 देश है, और नाटो की स्थापना जो है 1949 में की गई थी, और यहाँ पर विश्व बैंक का हेडक्वार्टर पूछा है वाशिंगटन DC में, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बात करें तो UNO की, तो UNO में कुल सदस्यों की संख्या है 193, और इसका UNO का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, और UNO के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो अब्दुल्ला साहिद हैं, और UNO की स्थापना जो है 24 अप्रैल 1949 को की गई थी। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुंच सके। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।